तो दोस्तों आज आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेके बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 20,000 जो कि 5G फोन है दोस्तों। तो आप लोग फ्यूचर रेडी हो सकते हैं इन फोन्स को लेके। मैं आपको लिस्ट में बताने वाला हूँ टॉप 5 फोन जो इस लिस्ट के अंदर है। 20,000 से नीचे आपको सारे फोन मिल जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल के ऊपर नए सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों हमारा पहला स्मार्टफोन निकल के आ जाता है पोको M3 Pro 5G। इस फोन के अंदर दोस्तों हमको मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 इसको चिपसेट जो है फीचर करता हुआ दिख जाएगा। साथ साथ इसके अंदर हमको देखने को मिल जाएगा ट्रिपल रियर कैमरा, जहाँ पे 48 मेगापिक्सल मेन कैमरा सेंसर होने वाला है। उसी के साथ दोस्तों आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, और इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी आपको दे देगा। और इसके लिए मैं आपको बताऊं तो 6GB रैम और 128GB वाला वेरियंट है, उसको आप परचेस कर पाएंगे अंडर 20,000 में आपको मिल जाता है, और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको ये निकाल के दे देगा। कैमरा भी काफ़ी डिसेंट सा है दोस्तों इसका। तो अब हमारा अगला स्मार्टफोन निकल के जाता है सैमसंग गैलेक्सी M42 5G। इस फोन के अंदर हमको स्नैपड्रैगन 750G का चिपसेट देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ आपको क्वाड रियर कैमरा, इसमें 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर होगा, उसके बाद 8+5+5 के बाकी कैमराज देखने को मिल जाते हैं। 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा आपको, और साथ साथ दोस्तों 5000 mAh की बैटरी के साथ ये आ जाता है। इसके अंदर आपको एमोलेड डिस्प्ले भी मिल जाएगी, और इसी के ऊपर दोस्तों आपको 6GB रैम वाला जो वेरियंट है वो आप ले पाएंगे अंडर 20,000 के अंदर, और साथ ही साथ आप इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और कैमरे के बारे में तो क्या ही कहूँ दोस्तों, सैमसंग है, कैमरा के आपको ऑप्टिमाइजेशन अच्छी मिली जाएगी, और ऑब्वियसली आप वन UI को भी एक्सपीरियंस कर पाएंगे जो कि वन ऑफ द बेस्ट UIs है दोस्तों। तो अब हमारा अगला स्मार्टफोन निकल के आता है रियलमी की तरफ से, जिसका नाम है रियलमी नार्जो 30 प्रो 5G। दोस्तों इस फोन के अंदर हमको देखने को मिल जाता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U का चिपसेट, उसी के साथ ट्रिपल रियर कैमरा, जहाँ 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएगा। उसी के बाद 8+2 मेगापिक्सल के बाकी कैमरा सेंसर आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके ऊपर चलते हुए आपको बता दूंगी इसके अंदर हमको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, और दोस्तों 5000 mAh की बैटरी है, तो काफ़ी अच्छी खासी बैटरी लाइफ भी आपको मिल जाएगी। और दोस्तों इसके अंदर आपको मैं बताऊं तो 8GB+128GB वाला वेरिएंट है, उसको आप परचेस कर पाएंगे अंडर 20,000, जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको निकाल के दे देगा। वीडियोस वगैरह आप बनाते हैं, फोटोज आप क्लिक करते हैं, तो एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। तो रियलमी की तरफ से ही हमारा अगला स्मार्टफोन निकल के आ जाता है, जो कि है रियलमी X7। और दोस्तों इस फोन के अंदर हमको मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U का चिपसेट तो मिल ही जाता है, साथ ही साथ आपको ट्रिपल रियर कैमरा भी मिलने वाला है। इसके अंदर 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर होगा, और साथ साथ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। बाकी जो दो कैमरा है वो आपको 8+2 मेगापिक्सल के देखने को मिल जाते हैं। अब उसके बाद आगे चलते हुए बताऊं तो बैटरी जो है वो आपको 4300 mAh की देखने को मिलने वाली है, तो ठीक ठाक सी बैटरी है, और आप इससे नॉर्मल यूसेज में निकाल पाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपसे कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए अंडर 20,000 के लिए। तो मैं आपको बता दूं इसके लिए आपको लेना होगा इसका बेस वेरिएंट, जो कि 6GB रैम के साथ आ जाता है, और 128GB की स्टोरेज आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। तो अब दोस्तों हमारा आखिरी स्मार्टफोन आ जाता है रियलमी की ही तरफ से। यहाँ पर रियलमी के 3 स्मार्टफोन है दोस्तों इस लिस्ट के अंदर, क्योंकि काफ़ी ढूंढ करके हमने निकाली है, और रियलमी ही ज़्यादा डोमिनेंस में देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको स्पेसिफिकेशन बताता हूँ, फ़ोन का नाम बताता हूँ। ये फ़ोन है दोस्तों रियलमी 8S 5G। इस फोन के अंदर हमको मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको मिल जाता है ट्रिपल रियर कैमरा, जहाँ 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर है, बाकी के दो कैमरा 2+2 मेगापिक्सल के हैं, वाइड एंगल कैमरा नहीं है दोस्तों इसके अंदर। और साथ साथ आपको बता दूँ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, 5000 mAh की बैटरी है, यानी एक डिसेंट सी बैटरी इसके अंदर भी आ जाती है दोस्तों। साथ साथ आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है 8GB रैम वाला वेरिएंट, जो आप परचेज कर पाएंगे। जी हाँ, अंडर 20,000 में आप लोग 8GB+128GB वाला वेरिएंट ले सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन जाता है, और साथ साथ आपको इसके अंदर फोटोज वगैरह भी काफ़ी अच्छी निकाल पाएंगे, परफॉर्मेंस के मामले में तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों। दोस्तों इतने ही स्मार्टफोन लेके आया था, आखिरकार टॉप 5 बोले थे, तो 5 स्मार्टफोन्स की लिस्ट लेके आ गए, सारे 5G फोन है दोस्तों, और आपको अंडर 20,000 ही सारे देखने को मिल जाएंगे। मैंने आपको बता दिया कौन सा वेरिएंट आपको लेना चाहिए अंडर 20,000 के लिए, और इस वक्त तो आपको फ्लिपकार्ट और अमेजन की सेल देखने को मिल जाएगी, जहां से आप लोग और भी अच्छे ऑफर्स के अंदर इनको और कम प्राइस में परचेस कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे प्राइस में इनको लेंगे, और साथ साथ आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। आपको वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों अगर आप लोग वीडियो के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, नीचे लाल वाला बटन है उसको दबा के सफेद कर दीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे सेट कर लीजिए, और लाइक बटन दबाना ना भूलें। हम आपसे कल फिर मिलेंगे, बाय।